खुद को मासूम जाहिर करने वाले रहनुमा को अपने जरायम का हिसाब देना पड़ेगा, खुसूसन जब उनके मुलविस होने के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। आर्मी चीफ का दो टोक ऐलान। जनरल आसिम मुनीर का लाहौर में कोर हेडक्वार्टर गैरिजन ऑफिसर से खिताब, कहा उनसे कोई समझौता होगा ना डील। वरगलाए हुए लोगों को सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पहले से शक का फायदा दिया जा चुका, हमारे सबर को लामहदूद ना समझा जाए। दुश्मन कुवतें झूठ जाली खबरों और प्रोपेगेंडा से डिजिटल टेररिज्म कर रही हैं, कौम की हिमायत से नापाक अजायम नाकाम बनाएंगे। मर्दान में सवाबी रोड ढा गई, स्टॉप के करीब फायरिंग की, नफरा जांबाग, एक राहगीर शदीद जख्मी। फरीकैन के दरमियान अराजी का तनाजिया था, जांबाग नौजवान चचाजाद भाई है। और इस्लामाबाद रावलपिंडी में बादल बरस पड़े, बारिश के साथ यालाबारी से मौसम खुशगवार, गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। 9 मई आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत और मुल्क के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश थी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिम्मेदारों को कटहरे में लाने का ऐलान। कहते हैं सहने में मुलविस कोई किरदार बख्शा नहीं जाएगा, कानून अपना रास्ता अपनाएगा, इंसाफ के मुताबिक फैसले होंगे, शहदा के वर्सा के दरमियान होना बाइस फ़ख्र है। अहद करते हैं कि आपके दिलों को दोबारा ये ठेस नहीं लगने देंगे, ऐसा स्याह दिन दोबारा तारीख में नहीं आएगा। शहबाज शरीफ का शहदा के वर्सा को खड़े होकर खराज तहसीन। नौ मई के स्याह दिन पर शहदा की यादों ने दिल चीर डाले, आंसुओं की झड़ी लग गई। अहले खाना के चट्टान जैसे आज़म को देखकर हौसलों को दबाव मिला। शहदा और उनके खानदानों से इजहार यकजहती की तकरीब बराह रास्त नशर हुई। मुल्क भर में करोड़ों देखने वाले जज्बात पर काबू न रख सके। शहदा के रवाहिकीन ने जुदाई की यादों को ताज़ा किया तो हर दिल भर आया। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने 9 मई की कर्बनाक यादें दोहराईं। हादिया हाशमी और दीगर के नगमे ने लहू गरमाया, शुरका की आंखें छलक पड़ी। मेरी ज़िंदगी में तो वो ऐसा दिन है कि मैं भूल नहीं सकता हूँ। उसमें जो जो भी मुलव्वस था, क्योंकि ये कोई नॉर्मल इंसिडेंट नहीं था कि आप कहें कि ये एक वाकया हो गया और उसको आप भूल जाएं या उसमें आप माफ़ी का ऐलान करें। मेरा ख्याल है कि जो भी उसमें मुलव्वस था उसको सज़ा मिलनी चाहिए। वो ऐसा दिन है कि मैं तो कहता हूँ मैं ना ही याद करूँ तो अच्छा है। 9 मई को एक्शन ना लेते तो हर शहर में जना हाउस जैसा हमला हो जाता। 9 मई की कर्बनाक यादें कभी भुला नहीं सकता। वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा 9 मई में मुलविस अनासिर को सजा मिलनी चाहिए, शिद्दत पसंदी कोई रास्ता नहीं। 9 मई को हुआ है ये, कभी मैंने ये दहशत गर्दों ने भी ये नहीं कर सके जो ये इन्होंने पिछले साल किया। मैं आज अदलिया के सामने ये सवाल करना चाहती हूँ, नौना जो अमल उन्होंने किया उसको उसकी सजा नहीं मिलती। मैं ये पूछना चाहती हूँ उनसे, हमें कहा जाता है उनसे बात करो, हम क्यों बात करें भाई, वो कोई सियासी जमात नहीं, वो दहशतगर्द जमात है, दहशतगर्द रहेंगे, दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जिना हाउस का दौरा, शहदा को खराज अकीदत पेश किया। कहती हैं 9 मई के मुलजमान सख्त सजा के मुस्तहिक हैं, जो दहशतगर्द ना कर सके वो 9 मई को किया गया। अदलिया बताए मुल्क पर हमला करने वालों को सजा क्यों नहीं मिल रही, वो दहशतगर्द जमात है, दहशतगर्दों से बात नहीं होगी। PTI की आदत 9 मई वाकयात की जिम्मेदार करा, निगरान काबीना कमेटी की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आ गई। PTI वाकयात में बराह रास्त मुलविस थी, PTI ने मंसूबा बंदी की और अमल कराया। 9 मई मुकदमात के जल्द फैसले करने की सिफारिश, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अजलास, काबीना अरकान का मुकदमात मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा। नौ मई के मंसूबा साजों, सहूलतकारों और शरपसंदों से समझौता नहीं होगा, सानहा 9 मई पर अफवाज पाकिस्तान का वाज़ेह मौकिफ। 9 मई को शरपसंदों ने बगावत की, मकसद पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना और अफरा तफरी फैलाना था। शरपसंद अवाम और फौज में तसादुम कराना चाहते थे। ISPR के मुताबिक शरपसंदों ने इल्ज़ाम रियासती इदारों पर डालने की कोशिश की, जानबूझ कर रियासती इदारों के खिलाफ तशद्दुद का सहारा लिया गया। उस सोच को पैदा करने वाला सबसे बड़ा कसूरवार वो है जिसको का सजा मिलनी चाहिए। इस मुल्क को तकसीम करने वाली जो साजिश जो मुल्क दुश्मनों ने उसके थ्रू कराई है, उसकी
कोई माफी नहीं है। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का 9 मई के जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा। कहते हैं सानिया 9 मई में मुलाविस अनासर मुल्क दुश्मन है, एक शख्स ने नफरतें बढ़ाई, कौम को तकसीम किया, हमारे लीडर गिरफ्तार हुए, हमने मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। शहर शहर अवामी रैलियां और मुजाहरे, लाहौर कराची इस्लामाबाद में अवाम का यौम सियाह, मुल्तान फैसलाबाद सरगोधा में रैलियां निकाली गईं, सक्खर में तलबा का पाक फौज से इजहार यकजहती, पारा चिनार दीर शांगला चित्राल में मुजाहरे, 9 मई के मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कमांडर यूएस सेंटकॉम की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी के अमूर पर तबादला ख्याल, मुलाकात में मुश्तरका तरबियत के नए मौके और राबतों के फरोग पर बातचीत की गई। अमरीकी कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। कारकुनों ने फिर पैगाम दिया है कि जाली असम्बली कबूल नहीं, ये असम्बलियाँ अवाम की नुमाइंदा नहीं, इन्हें अवामी असम्बलियाँ कहना अवाम की तौहीन है। मौलाना फजलुर रहमान का पिशावर में खिताब, कहा इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ 1 जून को मुजफ्फरगढ़ में अवामी मार्च होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी सफीर की मुलाकात, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरा चीन की तैयारियों पर बातचीत, बिशाम वाक़े पर होने वाली पेशरफ्त पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा बिशाम वाक़ा पाक चीन दोस्ती पर हमला था, मुलव्वस अनासिर को हर सूरत इबरत ताक अंजाम तक पहुँचाएंगे। तहरीक इंसाफ से शेर अफजल मरवत की पक्की छुट्टी, शेर अफजल मरवत को सियासी कमेटी के बाद कोर कमेटी से भी निकाल दिया गया। बानी पीटीआई की हिदायत पर दोनों कमेटियों से निकाला गया। पीटीआई की आदत ने शेर अफजल को शोकास्ट नोटिस भी जारी कर दिया। पीटीआई में इख्तलाफात की दरारें मजीद गहरी, आजम स्वाति और सालार काकड़ ने पीटीआई की सियासी और कोर कमेटी छोड़ दी। आजम स्वाति को सियासी और कोर कमेटी से मुतालिक शदीद तहफ्फुज़ात हैं, सालार काकड़ ने कोर कमेटी और सियासी कमेटी का व्हाट्सएप ग्रुप भी छोड़ दिया। के इलेक्ट्रिक ने 18.86 रुपए फी यूनिट अबूरी इजाफा मांग लिया। 9 माह की महाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की सदा, नेफ्रा में समाप्त मुकम्मल, हतमी फैसला बाद में जारी होगा। के इलेक्ट्रिक ने जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक फ्यूल एडजस्टमेंट में इजाफा मांगा, सार्फीन पर 25 अरब 83 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। जिना अस्पताल लाहौर का एहसास, तारीख साज इकदाम, शोबा यूरोलॉजी का 11 साल बच्चे का कामयाब किडनी ट्रांसप्लांट, मंसूर को गुर्दे का तिया वालिदा ने दिया, कामयाब किडनी ट्रांसप्लांट के बाद माँ बच्चा रूह बसेहत, प्रोफेसर नवीद इकबाल, डॉक्टर शबीर चौधरी, डॉक्टर सलमान अरशद ने ट्रांसप्लांट किया। मोबाइल फोन्स की पाकिस्तान में तैयारी के फवायद, मोबाइल फोन की कीमत में 35,000 रुपए तक कमी, 1 लाख वाला मोबाइल फोन 65,000 में दस्तयाब, 64,000 कीमत वाला मोबाइल 50,000 में फरोख्त होने लगा, कीपैड वाले फोन भी सस्ते हो गए। गर्मी के बाद लोड शेडिंग का अजाब, लाहौर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू, लेस्को के मुख्तलिफ ग्रिड स्टेशन से बिजली बंद की जाने लगी, शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना। और अमरीकी सदर जो बाइडन का मजलूम फलस्तीनियों के कत्ल का एतराफ, क्या 2,000 पाउंड वजनी अमरीकी बम गजा में गिराए गए, एंकर का सवाल, जो बाइडन ने जवाब दिया गजा में अमरीकी बमों से शहरी मारे गए।